नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश डाकरिया, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन्स, उत्कर्ष हॉस्पिटल कोटा। आज हम बात कर रहे हैं जिनके हिप में पिछले 20 साल से तकलीफ थी और ये चल फिर नहीं पाते थे, नीचे नहीं बैठ पाते थे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे और दैनिक दिनचर्या में इनको काफ़ी तकलीफ रहती थी। तो इनके हिप का रिप्लेसमेंट किया गया था जिसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है इनका? काली भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? पीपल दाखुर देटावा। क्या तकलीफ रहती थी इनको? पैर में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत थी। कितने साल से तकलीफ रहती थी? 20 साल हो गए सर। क्या तकलीफ रहती थी? चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में और उठने बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो फिर आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया था इनका? दिखाया था पहले चार पांच जगह पे, दिखाया था चार पांच डॉक्टरों को दिखाया था, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और बस। अच्छा, तो फिर उसके बाद में कहाँ पे संपर्क किया फिर आपने, किसको दिखाया? पहले कोटा दिखाया था, फिर काफ़ी दिनों में ट्रीटमेंट चलता रहा और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर यहाँ का किसने सजेस्ट किया आपको? मेरे मिलने वाले ने यहाँ का पता बताया, फिर यहाँ आए हम। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब ने आपको क्या समझाया जब यहाँ आए? जो उन्होंने अच्छे से हमें समझाया कि पैर में ये प्रॉब्लम हो रही है, जांच की, उसके बाद समझाया कि इनका ऑपरेशन होगा। क्या ऑपरेशन होगा, किसके बारे में बताया? वो पैर में बॉल खराब हो गई थी, वो उसका बताया उसके बारे में। आपका ऑपरेशन हुआ तो उसमें कौन सी बॉल डाली, क्या डाला? वो अच्छी वाली बॉल डाली। ऑपरेशन के कितने दिन बाद में आपको चलना फिरना चालू करवा दिया था? ऑपरेशन के अगले दिन ही चलना स्टार्ट कर दिया था। अब ये कैसा, जो आपकी मदर है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं पहले से? अब पहले से बेटर महसूस कर रही हैं। अच्छा, तो आज आपकी छुट्टी कर दी गई है? हाँ सर। और आप खुद ही चल के और घर जा रहे हैं? हाँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके हिप्स में और नी में प्रॉब्लम है, क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में? जिनको भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर साहब से एक बार आके सलाह ले और ये अच्छा इलाज करते हैं और सस्ते में इलाज करते हैं और अच्छा करते हैं। जिनको भी प्रॉब्लम हो यहाँ आके इनसे मिले। तो दोस्तों, ये थे जिनका हिप का रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया गया है। आज इनका ऑपरेशन का चौथा दिन है और ये घर जा रहे हैं। आज खुद चल के जा रहे हैं, खुद बैठ सकते हैं, अभी ये गाड़ी में खुद चल के और बैठेंगे, अब इनको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे हिप और नी की सर्जरी बहुत अच्छी क्वालिटी से की जाती है, कम रेट में की जाती है और सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो इम्प्लांट्स यूज किया जाता है वो इम्पोर्टेंट इम्प्लांट्स होता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है और उसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी होती है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पे आए और इन्होंने हम पर विश्वास किया। तो धन्यवाद।